हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड के सबसे बेहतरीन घूमने की जगहों के बारे में। झारखंड भारत राज्य के 28वें राज्यों में से एक है। इस राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई थी। लैंड ऑफ फॉरेस्ट के नाम से मशहूर झारखंड राज्य घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है। वाइल्ड लाइफ पसंद लोगों के लिए काफ़ी कुछ मौजूद है जो घूमने का एक अच्छा एक्सपीरियंस, फोटोग्राफी का बेहतरीन मौका देते हैं। जंगल, पहाड़, झरने, म्यूजियम और थोड़ी थोड़ी दूर पर बने मंदिर खूबसूरती के साथ यहाँ के पर्यटन को भी बढ़ाने का काम करते हैं, जो यहाँ के अर्थव्यवस्था से भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। दोस्तों, अगर आप झारखंड में से हैं या देश के किसी दूसरे कोने से घर में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं तो निराश मत होइए। आज के इस वीडियो में हम अपनी आँखों से झारखंड आपको घुमाने वाले हैं, तो बने रहिए आज हमारे साथ इस नई वीडियो में जिसका टाइटल है टॉप 7 टूरिस्ट प्लेस इन झारखंड। पहले नंबर पर हमारे लिस्ट में आता है रांची शहर। झारखंड की राजधानी रांची घूमने की जगहों में से एक है। यहाँ आपको भारत के कई बेहतरीन झरने देखने को मिलेंगे, इसलिए इसे झरनों का शहर भी कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से रांची एक समृद्ध शहर है। इसके पूर्व में मैनचेस्टर के रूप से भी जाना जाता है। यहाँ के सबसे फेमस टूरिस्ट पैलेस में हुंडरू फॉल, बिरसा जूलॉजिकल पार्क, रानी झील, जगन्नाथ मंदिर और पहाड़ी मंदिर। हमारे लिस्ट पर दूसरे नंबर पर आता है जमशेदजी टाटा का शहर जमशेदपुर। टाटा नगर को तो क्वीन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह झारखंड की सबसे बड़ी और भारत की पहली प्राइवेट आयरन कंपनी टाटा स्टील मौजूद है। यह शहर नेचर लवर के लिए घूमने की काफ़ी अच्छी जगह मौजूद है। इसे एक औद्योगिक शहर के रूप से भी जाना जाता है। टाटा नगर की स्थापना टाटा नगर के महान उद्योगपति और संस्थापक जमशेद जी नसवरन जी टाटा ने की थी। समृद्ध हरियाली से घिरे हुए इस शहर में कई सारी आकर्षक जगह है, जैसे डलमा झील, जुबली पार्क, यहाँ के कुछ फेमस अट्रैक्शन है। तीसरे नंबर पर आता है हजारीबाग। हजारीबाग मुख्य रूप से झारखंड में अपने ब्रेथ टेकिंग व्यूज वाले पहाड़ियों और शानदार मौसम के कारण जाना जाता है। यहाँ पर 2019 फीट की ऊंचाई पर हेल्थ हिल रिजोर्ट को बनाया गया है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि हजारीबाग हजार बागों का एक शहर कहा जाता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ शहर में केवल पार्क ही पार्क हैं। यहाँ पर कई सारे मंदिर, झरने और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मौजूद हैं। चौथे नंबर पर आता है देवघर। देवघर भी झारखंड की पॉपुलर जगहों में से एक है। यहाँ भगवान शिव के मंदिर मौजूद हैं। देश भर से टूरिस्ट इस जगह को देखने के लिए, इसकी सुंदरता को निहारने के लिए आते रहते हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर भी यहीं पर मौजूद है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। बासुकीनाथ मंदिर, त्रिकुटी हिल्स, सत्संग आश्रम, शिवगंगा, नंदन पहाड़। और पांचवें नंबर पर आता है धनबाद। धनबाद को भारत की कोयला राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के सबसे तेज विकसित होने वाले शहरों की सूची में से शामिल है। यहाँ पर बहुत सारी कोयले की खदानें हैं, सुंदर घाटियाँ, जंगलों से घिरा धनबाद बांधों, ताजा झीलों और मंदिरों से भरा हुआ है। यहाँ पर कई सारे बौद्ध और हिंदुओं के मंदिर स्थित हैं। उसके बाद छठे नंबर पर आता है बोकारो, जिसे आपने अपने स्कूल की किताबों में अवश्य ही पढ़ा होगा। बोकारो पूर्वी भारत के एक इंडस्ट्रियल शहरों में से एक है, इसलिए इसे झारखंड के एक पॉपुलर शहर में से शुमार किया जाता है। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। कई मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन से भरा पड़ा है। यहाँ काली मंदिर, जवाहर बायोलॉजिकल पार्क, गंगा बांध और राम मंदिर जैसे पॉपुलर अट्रैक्शन मौजूद हैं। यहाँ का सुहाना और आधुनिक मौसम से सजे इस शहर को एक सुंदर शहर बनाता है। सातवें